सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। आज आयुर्वेद समाधान में हम आपको सर्दियों में 9 चीजों का वो प्रयोग बताएंगे, जिससे आपके पास ठंड फटकेगी नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। दरअसल होता क्या है कि सर्दियों में अगर आप इन चीज़ों को लेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप पर कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगी। सर्दियों में शुष्क और ठंडी हवाएं आपको बीमार कर सकती हैं। खुद को मौसम के अनुरूप ढालने के लिए हम आपको कुछ खास चीज़ों के बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में, आप विस्तार से हमारा वीडियो देखें। सबसे पहले दूध की बात करेंगे। दूध बहुत शक्तिवर्धक होता है। दूध में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, इससे हड्डियां मजबूत होती है। सर्दियों में दूध की मलाई में मिश्री मिलाकर खाने से भी शरीर को शक्ति मिलती है। एक बादाम को घिसकर दूध में मिलाकर पीने से शरीर को बल मिलता है। अगला है अंजीर। अंजीर को सर्दियों में खाने का विशेष महत्व होता है। ये कब्ज को तो दूर करता ही है, साथ ही इसमें आयरन की काफी मात्रा होती है। अंजीर में जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उनमें 80% पानी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, तांबा, सल्फर, क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि विटामिन बी और सी सामान्य होता है। ताजे अंजीर में शर्करा और क्षार सूखे अंजीर की अपेक्षा अधिक होता है। डायबिटीज के लोगों को अन्य फलों की तुलना में अंजीर का सेवन विशेष लाभकारी होता है। इसके अलावा अस्थमा की बीमारी में रोज सुबह सूखे अंजीर का प्रयोग आपको बहुत लाभ देगा। अगला है तिल। सर्दियों के मौसम में तिल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तिल में कई पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठंड के बचाव के लिए तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। तिल और मिश्री का काढ़ा बनाकर खांसी में पीने से जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। अगला है बाजरा। दूसरे अनाजों की तुलना में बाजरे में शरीर को गर्म रखने के बहुत अच्छे गुण होते हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा बाजरे में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फाइबर, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए सर्दियों में अपने आहार में बाजरे का इस्तेमाल करना काफी लाभकारी होता है। अगला है खजूर। खजूर में कई तरह के गुण होते हैं। इनमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, कैल्शियम के साथ लोहा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। पके खजूर में 85% तक शर्करा की मात्रा होती है। हर 100 ग्राम खजूर में 283 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला है शहद। शहद का इस्तेमाल बहुत गुणकारी है। सर्दियों में शहद लेने से डाइजेशन में सुधार आता है और आपकी इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़ती चली जाती है। शहद को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है, इसलिए ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखता है। बात करेंगे गुड़ की। गुड़ ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए गुड़ का सेवन ठंड में किया जाता है। आयुर्वेद संहिता के अनुसार गुड़ खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा ये शरीर में खून बढ़ाता है। गुड़ खाने से भूख बढ़ती है, साथ ही गुड़ से बनी चीज़ें खाने से बीमारियां दूर होती हैं। अगला है बादाम। बादाम से कई बीमारियां दूर होती हैं। डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए बादाम असरदार है। इसके अलावा बादाम के सेवन से कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है, जो सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बादाम में डायबिटीज को नियंत्रित करने का गुण होता है। इसके अलावा बादाम खाने से याददाश्त भी बढ़ती है। सर्दियों में केसर भी बहुत लाभकारी होता है। दरअसल केसर खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इसमें लाइकोपीन, क्रोसिन, पिकेक्रोसिन, कैरोटीन आदि पाए जाते हैं। इसमें ईस्टर कीटोन और सुगंधित तेल की कुछ मात्रा भी मिलती है। केसर को तासीर में गर्म माना जाता है, इसलिए इसका सर्दियों में उपयोग करना ही चाहिए। यह आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कभी बीमार ना होने की क्षमता डेवलप करता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।